भागलपुर लगातार तीन दिनों से हो रहे बारिश को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टापू बन गया है। एक तरफ जहां पीजी बॉयज हॉस्टल में विद्यार्थी पानी निकासी को लेकर परेशान दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएनबी कॉलेज के पश्चिमी गेट पर छात्र छात्राओं को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ सड़क नाले में तब्दील हो गया है, सड़कों पर नाले का पानी बह रहा है। वहीं विद्यार्थियों ने पानी निकासी का स्थायी समाधान नहीं होने को लेकर आक्रोशित दिखे। उनका कहना है कि बार बार बारिश के कारण उन लोगों को कॉलेज आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन कोई अस्थाई समाधान नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग है, जहां भी विश्वविद्यालय में जल जमाव हो रहा है, चाहे वह पीजी का बॉयज हॉस्टल हो, विश्वविद्यालय का मैदान हो या फिर टीएनबी कॉलेज का पश्चिमी गेट हो, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना आंदोलन होगा। आज छात्रों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के बाउंड्री वॉल पर चढ़कर पार हो रहे थे। इस तरह से आने जाने में छात्रों के साथ कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती थी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। पानी हो रहा है कॉलेज जाने में, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। ऐसे घूमकर भी आ रहे हैं, वाल पत्थर के चिता। क्या नाम हुआ कारण बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग सुन रहे हैं टीएनबी कॉलेज घुसने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा परेशानी कर रोज आ भी नहीं पा रहे इस कारण, और अभी बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को जाने में। और टीएनबी कॉलेज घुसने में भी हम लोग का स्कूल गंदा हो जा रहा है, ज्यादा परेशानी होता है। नाला रोड पे आ जाता है, रोड नाले में चला जाता है, बहुत पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है घुटना। क्या नाम हुआ? क्या बताएं सर, इतना परेशानी हो रही है हम लोग को आने जाने में, कि तीन दिन से लगातार जमा हुआ है पानी, और मतलब कोई चीज़ होता ही नहीं है। आने जाने में जूता भीग जाता है, कभी गिर जाता है बच्चा सब, हम खुद एक बार गिर चुके हैं सर।